जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया हमर जम्मो दर्शक मन के स्वागत हवे। संगवारी हो, आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस आए। आज एकर घोषणा ला पहली दारी 1990 में 14 दिसंबर के संयुक्त राष्ट्र महासभा कोती ले करे गे रही सवे, और एकरे पहली छुट्टी हा 1 अक्टूबर 1991 में मनाए गे रही सवे। लोगन मन ला प्रभावित करने वाला कारक और ओखर बारे में जागरूकता बढ़ाए के उद्देश्य ला लेके एकर शुरुआत करे गे रही सवे। ये दिन ला समाज में बुजुर्ग लोगन मन के योगदान पर मनाए जाते। तो संगवारी हो, सबो वरिष्ठ नागरिक मन ह अपन जिंदगी में जौन पाए हवे और अभो घलो हासिल करत हवे, ये जारी रखे हवे, ओखर बर हम सबो बुजुर्ग मन ला धन्यवाद और दिल ले नमस्कार करत हुए छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक में देखे। स्वतंत्रता दिवस के मौका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा लाल किला के प्राचीर ले राष्ट्रीय ध्वज ला फहराइन और राष्ट्र ला संबोधित। हर घर तिरंगा अभियान के लोगन मन करिन स्वागत, घर के छत, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और भवन मन में घलोक तिरंगा झंडा फहराया। कांकेर के अंतागढ़ हा ब्रेल के नक्शा में हो शामिल, 13 अगस्त ले चलिस अंतागढ़ में पहली यात्री गाड़ी। और केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना के तहत महासमुंद जिला के लोगन मन ला गंभीर बीमारी मन ले मिली चिकित्सा सुविधा। देश के 75वां स्वाधीनता दिवस के वर्षगांठ के मौका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा लाल किला के प्राचीर ले राष्ट्रीय ध्वज ला फहराइन और देश ला संबोधित करिन। उहे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल हघलो रायपुर के पुलिस परेड मैदान में तिरंगा झंडा फहराइन। स्वतंत्रता के 75 बछर पूरा होए के मौका में देशा आजादी के अमृत महोत्सव मनावत है। 15 अगस्त के दिन नवा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा लाल किला में राष्ट्रीय झंडा ला फहराइन और देश ला संबोधित करत हुए सबो देशवासी मन ला बधाई दी। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के कर्मी हो, शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हो, जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के शासक प्रशासक रहे हो, राज्यों के शासक प्रशासक रहे हो, केंद्र के शासक प्रशासक रहे हो, 75 साल में इन सब के योगदान को भी आज स्मरण करने का अवसर है। उन्हें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल हघलोक 15 अगस्त के पावन और गौरवशाली मौका में राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण करीन और प्रदेशवासी मल्ला स्वतंत्रता दिवस के बधाई और शुभकामना दीन। अब अपन संदेश में कहीन कि आजादी के 75वां वर्षगांठ ले एक घाव फिर एक ठन नवा सफर के शुरुआत हुई है, जौनहा न्याय के विरासत के संग में आगू बढ़ी और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लक्ष्य ला पूरा करही। मुख्यमंत्री हा कहिन कि न्याय योजना मन के जौन पहल रहिन ओला सदा आगू बढ़ाए बर संकल्पित हबन, और इही मौका मा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के गोठला कहत हुए एकर तहत मा 13,000 करोड़ रुपया के राशि किसान मन ला देगे हवे। देश में रासायनिक खातू मन के कमी और बढ़त कीमत के सेती अब गौठान मन में बनाए जात जैविक खातू हा एक ठन बढ़िया विकल्प आए, और कहीं कि धान बेचैया किसान मन के संख्या हा घलो अब मुझे गर्व है। हम आजादी के 75वीं सालगिरह के अवसर पर देश और दुनिया के सामने बापू के सिद्धांतों और विचारों के अनुरूप कार्य करने में सफल हुए हैं। इसमें प्रकृति सम्मत विकास, हर व्यक्ति को गरिमा, न्याय व बराबरी के अवसर देने वाली योजनाएं और कार्यक्रम शामिल है। हमने न्याय योजनाओं की जो पहल की थी, उसे निरंतर आगे बढ़ाने की के लिए संकल्पबद्ध है। यही वजह है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इससे लगभग 13,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। इस तरह एक सीजन में किसानों को
प्रति एकड़ 9000 रुपए की आदान सहायता देने वाला देश का पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। यदि राज्यपाल अनुसुईया उइके घलोच 76वां स्वतंत्रता दिवस के मौका में बिहनिया राजभवन में झंडा फहराइन और झंडा ला सलामी दिन और प्रदेश के संगे में ही देशवासी मल्ला पन बधाई और शुभकामना दिन और ऐसने ही रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय में, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत हा राजनांदगांव शहर में और नगरी प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया हा जांजगीर चांपा में झंडा फहराइन और परेड ला सलामी दिन है और सबो हा प्रदेशवासी और देशवासी मन ला अपन बधाई और शुभकामना दी। अब ऐसने ही दूसर जिला मुख्यालय मन में घलोक स्वाधीनता दिवस ला बारिश के बीच में पूरा उत्साह और उमंग के संग मनाया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मां सबो लोगन मन ला देशभक्ति के भावना जगाए बर गृह मंत्री अमित शाह घलोक नवा दिल्ली मां राष्ट्रीय झंडा फहराइन और ऐसने ही राजधानी रायपुर के सांसद सुनील सोनी और विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल घलोक तिरंगा यात्रा निकाल के लोगन मन ला देश प्रेम बर जागरूक करी। देश के आजादी के 75वां वर्षगांठ के मौका में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत में हर घर तिरंगा अभियान चलाए गिस। गृह मंत्री अमित शाह हर घर तिरंगा अभियान के तहत में नवा दिल्ली में स्थित आवास में राष्ट्रीय झंडा लफहराई। श्री शाह अपन पत्नी के संग में आधिकारिक आवास के छत में तिरंगा फहराई। हर घर तिरंगा अभियान के उद्देश्य है कि सबो भारतीय मल्ला तिरंगा फहराए पर प्रेरित करना, लोगन मन के दिल में देशभक्ति के भावना ला जगाना और जागरूकता फैलाए पर यह पहल ला करेगी रही सभी। इति छत्तीसगढ़ में घलोक हर घर तिरंगा अभियान ला लेके बड़ उत्साहित रही समूह। राजधानी रायपुर में सांसद सुनील सोनी और विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में आम लोगन मन संग में और स्कूल के लयिका मन के संग में तिरंगा यात्रा घलो निकाले रहीन और ये यात्रा हा तेली बांधा मरीन ड्राइव ला होवत हुए नगर घड़ी चौक में सिराइस। यही मौका में सांसद सुनील सोनी हा कहिन कि राज्य के लोगन मन में उत्साह देखे जात हवे, सबो लोगन मन में देश प्रेम देखे जात हवे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को आह्वान किया है कि आज़ादी के 75 साल और हम सब जो है वो अपने घर के अंदर में इस अमृत काल में एक तिरंगा झंडा फहराए और हिंदुस्तान की जनता ने ठाना है हर घर तिरंगा लहराना है और आज छत्तीसगढ़ की जनता ने ठाना है हर घर तिरंगा लहराना है। आज ये तिरंगा यात्रा निकल रही है और आज पूरे देश के अंदर में उत्साह और जुनून है और राष्ट्रीय भाव के साथ में सब जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत में ये नवयुवक सब सहयोगी बनेंगे। सभी को 15 अगस्त की इस अमृत काल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रैली के बेरा में लयिका मन घलो बड़ उत्साहित रही और यही अभियान के तहत मां हर घर के द्वारी और छत मन मां घलो झंडा लगाए गिस। ये अभियान मां व्यावसायिक प्रतिष्ठान मन मां, भवन मन मां, चौक चौराहा मन मां घलो झंडा फहराए गिस। स्वतंत्रता सेनानी मन के सेती मिले आजाद भारत मां सबो लोगन मन ले झंडा फहराए के अपील करी है। हमारे पूर्वजों ने जो शहीद हुए उन्हीं की बदौलत आज हम लोग स्वतंत्र हैं और आज 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं आज़ादी के इस शुभ अवसर पर। हर घर में हम लोग चाह रहे हैं कि हर घर में झंडा फहराया जाए और मैं भी इस उल्लासपूर्वक अपने साथियों के साथ अपने घर में झंडा फहरा रहा हूं इस आज़ादी के 75वां वर्षगांठ पर। और मैं जनता से अपील करूंगा कि अनुशासन में रहते हुए देश की सेवा करें और देश के लिए प्राण निछावर करें। एति भिलाई में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल कोती ले हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा पर लोगन मल्ला जागरूक करेगी और बाइक रैली निकालेगी और ही मौका में SSB के घलो तिरंगा यात्रा के आयोजन करे रहीन। जो उन्हें दूरदर्शन समाचार ले गोट बात में बताइन कि रैली के माध्यम ले लयिका मल्ला तिरंगा के आन बान शान के जानकारी देगी सबे। हमारे भूमिका ये रही कि हम तमाम स्कूल और जो भी संस्था है उसको हमने इकट्ठा किया है और इकट्ठा करके उनको हमने बताया कि भाई भारत में जो हमारा झंडा तिरंगा क्या महत्वपूर्ण रखता है देश के लिए, इसी वजह से इन सभी को हमने झंडा भी बांटे हैं और साथ साथ में उनको झंडा किस तरह से फहराना है, इसको रख रखाव कैसा करना है, इसके बारे में चर्चा की गई, उसको बताया गया है। रैली में शामिल छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश चौहान हा कहिन कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौका में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होके वहाँ गौरव महसूस कर रहे। एति राजनांदगांव जिला के भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड कोतीले हर घर तिरंगा अभियान के तहत में बाइक रैली निकाले रहीन।
और लोगन मन ला जागरूक करीन। और ही मौका में भारतीय नौसेना के भूतपूर्व कैप्टन एसी पोखरियाल ह कहिन कि लोगन मन ला देश प्रेम के प्रति प्रेरित करे बर और युवा मन ला सेना में जाके देश की सेवा के भावना ला जागृत करे के उद्देश्य ला लेके तिरंगा यात्रा निकाले रहीन। संगवारी हो, आप मन ला एक ठन नवा गोट बता देन कि अब अंतागढ़ है छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर ले जुड़ गए हवे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिला के एक ठन छोटे से कस्बा के निवासी मल्ला आजादी के 75 बछर के बाद यात्री ट्रेन के सुविधा मिली हवे। अब ये ट्रेन ला भाजपा सांसद मोहन मंडावी हा हरा झंडे दिखा के रवाना करीन है। अंतागढ़ बर 13 अगस्त के दिन हा बड़ अहम रहिस, काबर की ही दिल्ली अंतागढ़ मा पहली दारी रेलगाड़ी पहुंचिस। आजादी के अमृत महोत्सव मा उत्तर बस्तर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र अंतागढ़ मा पहली दारी यात्री ट्रेन पहुंचिस। जिला सांसद मोहन मंडावी और विधायक अनूप नागा हरा झंडा दिखा के रवाना करी। भारत सरकार हा बेरा बेरा मा ऐसे कतको ठन योजना मन के शुरुआत करते जेखर ले लोगन मन के जिंदगी मा सुधार हो सके। और वैसने ही आयुष्मान भारत योजना के शुरुआत करे हवे जेखर ले गरीब और पिछड़ा परिवार मन ला स्वास्थ्य संबंधी समस्या मन ला दूर करके आर्थिक रूप ले स्वास्थ्य बीमा दे जात हवे और एखर फायदा लोगन मन हा लेवत हवे। केंद्र सरकार हा स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र मा कई ठन कार्यक्रम चलावत हे। लोगन मन ला स्तरीय चिकित्सा के सुविधा उपलब्ध कराए बर आयुष्मान भारत योजना के घलोक बड़ नाव हवे। महासमुंद जिला मा ए योजना के माध्यम ले कई ठन गंभीर बीमारी मन के इलाज कराएगी सवे। महासमुंद जिला मा आयुष्मान भारत योजना के शुरुआत हा बछर 2018 में हो रहिस। ये अभियान के तहत मा ये जिला के 3 लाख ले ज्यादा परिवार मन के आयुष्मान कार्ड बने हवे। ये आयुष्मान कार्ड के माध्यम ले लोगन मन हा 50,000 ल लेके 5 लाख रुपया तक के इलाज सरकारी अस्पताल या फिर चिन्हांकित करेगे निजी अस्पताल मन मा मुफ्त मा करवावत हवे। एखर तहत मा कुछ लोगन मन के इलाज महासमुंद के मेडिकल कॉलेज मा चलत हवे। सरायपाली के रहैया रस्मीत कौर हा बताइस कि ओखर छाती मा गठान हो गए रहिस जेखर इलाज ला ओहा आयुष्मान कार्ड के माध्यम ले करवावत हवे। मेरे ना सीने में गठान हुआ था तो हम लोग ना बाहर भी गए थे चेकअप करवाने, तो वहाँ ज्यादा बताए और यहाँ के पूछे ना तो आयुष्मान से फ्री में हो जाएगा करके बोले, तो हम लोग यहाँ एडमिट हो गए तो यहाँ हमारा फ्री में इलाज हो गया, एक भी पैसा नहीं लिए थे यहाँ। अब ऐसे ही महासमुंद के गांव भसेला के रहैया अश्वनी सिन्हा जेखर परसव के खर्चा ला 35,000 रुपया बताए रही। अश्वनी के आयुष्मान कार्ड हा बने रही जेखर ले ओखर पत्नी के परसव हा मुफ्त में हुई सवे। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा जो इस योजना को 50,000 से 5 लाख तक मुफ्त की सेवा इलाज का ये किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रधानमंत्री को। अश्वनी और अस्मित जैसे ऐसे कतको जन हवे जौन मन आयुष्मान भारत योजना के फायदा लेवत हवे। मेरा ऑपरेशन बच्चों वाला है, मैं सरकारी में आई हूँ और हम लोग गरीब हैं, हम लोग बाहर जाते तो पैसे नहीं दे सकते। मैं सरकार को इसी बात की धन्यवाद देती हूँ। उन्हें जिला के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे है बताएं कि सबो लोगन मन ले ये योजना के लाभ मिला यही सुनिश्चित करे जात हवे। जिले से ज्यादा व्यक्ति आयुष्मान भारत जो योजना है उससे जुड़े, इसके लिए सबके पास सर्वप्रथम व्यक्तिगत ई कार्ड भी हों। इसके लिए हमने जिले में जो कलेक्टर जनदर्शन होते हैं वहाँ भी साथ में विकास खंडों तहसील स्तरों में जो SDM जनदर्शन आयोजित किए जाते हैं वहाँ भी स्मार्ट कार्ड बनाए जाते हैं, सभी अस्पतालों में भी स्मार्ट कार्ड बनाए जाने की सुविधा है। अब आप मतलब बता दें कि आयुष्मान भारत योजना है लोगन मल्ला चिकित्सा सुविधा मुफ्त मदे के दिशा में कारगर साबित। संगवारी हो, आज के अंक ला ही मेर विराम देथन और मिलबो अवैया इतवार के इही बेरा मा एक ठन नवा अंक लेके। बबीता मार्कंडेला दो विदा, जय जोहार।